पे देख सकते हैं हमारी छोटी सी नन्ही सी बिल्ली जो है ना धूप सेक रही है, क्या स्टाइल मार के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जा रही हूँ खेत में मम्मी को खाना देने के लिए। और क्योंकि आज जो है ना मौसम बिल्कुल साफ है तो बहुत तेज़ धूप होने वाली है। अभी तो धूप आई है, 7 बजे आ गई थी और थोड़ा बादल लगे हुए धूप के सामने पे, लेकिन पूरा जो मौसम जो है ना बिल्कुल साफ हो रखा है। अब चलते हैं खेत में। आज तो नहर में पानी भी आ चुका है तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक चले। यहाँ पे फिसलने का डर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम चले खटीराड़ी में मेरे। आज तो पूरे गीले गीले हो रखे हैं साटी भी, देख सकते हैं यहाँ पे ओस कितनी ज्यादा गिरी हुई है। मैं तो गीली हुई है, गिरी पूरी, मैं गीली हो गई यहाँ पे पूरी। और ये हमारी सुंदर सी धूप, वो तो मुझे काफी ले लेती है ना, काफी ले ली। हाँ ले ली, मैं तेरी कितना आधा छो बचू पूर्व, आधा छो बचू पूर्व नीचो अब ठीक है हरी चागने तम तक लाने की पूर्व लोनी और फिर छोटू। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। हेलो, तो दोस्तों फाइनली जो है ना हमने ये वाला खेत भी कंप्लीट कर दिया और ये खेत भी कर दिया जितना हमसे हो सके था। और मम्मी ने यहाँ पे जो है ना कुन का भी लगा दिया है और भूख भी लग गई है। तो दोस्तों बहुत गर्मी और धूप हो गई, हालत खराब है, पीछे बहुत गीला हो रहा था। हाँ बोला ठीक से, और रुक जा। ये हमारी दादी जी और यहाँ पे सो गए। बहुत धूप हो रही है और मौसम ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत क्लीन हो रखा है, एकदम साफ, कहीं बादल नहीं दिख रहे होंगे आपको सीधे उस साइड छोड़ के। और यहाँ पे मैं हालत ऐसी, और भूख भी लग चुकी है, खाना खाते हैं। अभी बज रहे होंगे, कितना बज रहे टाइम में भी, तो अभी टाइम बज रहे हैं 8:30। हमने आधे घंटे में जो है ना सारा सपाट कर दिया है और इसके पीछे जो है इतना ठंडा अच्छा लग रहा ना, क्या बताए। तो भोजन करते हैं दोस्तों। ये हमारी रोटी है और हमारी चाय यहाँ पे आ रही है। ये चली हमारी घशेरी। तो दोस्तों मैं चली अब घर को ये चंगेरा लेके, और मम्मी जा रही है दादी के साथ क्योंकि दादी बाहर की थी ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाची लोगों का खेत में जो है सारे लेट गए हैं, अभी हरे भी हैं काफी, और ये बर्बादी, फसल की बर्बादी हो रखी है। अरे मेरा साथी पता नहीं कहाँ से आ जाता है बीच बीच में। अरे तू सक कालू, चलो चलो घर जा। ओए डोनो आ दो, न्याय पसंद है तो घास है मनो यो किचन दे बाओ। हमारी गुट्टू रानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गुट्टू की, मन की नहीं हो रही साइज से। गुट्टू लाइट ही नहीं है, कहाँ से देखी कार्टून। गुट्टे ने प्यारी सी दो चिटिया बना रखी है। गुट्टू प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम कर लो, प्रणाम कैसे करते। गुट्टू अभी सो के उठी हुई नहीं, सिरे सुस्त हो रखी है। बजे दिन के 12 और कड़कती धूप के साथ, और मौसम जो है ना धोखा देते हुए ऊपर से जो है ना बादल आ रहे हैं, और अभी जो है ना कड़क 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 वाली धूप लगी हुई है। और मैं अभी खेत में जा रही हूँ कटाई करने के लिए धान की। तो दोस्तों जिस दिन से ये कूड़ेदान आया ना उस दिन से ना गदेरा एकदम साफ हो चुका है, एक भी कूड़ा नहीं है इस गदेरे में।
दोस्तों वो सामने पे है कार्तिक स्वामी का डांडा, ये देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे, और वहाँ भी जो है बादल छा रखे हैं, तो संभावना है शाम तक बारिश हो जाएगी आज। तो खेत में पहुँच चुकी हूँ, यहाँ पे जो है कण का लगा रखा है मस्त वाला, और यहाँ पे सभी लोगों ने जो मनाई की होगी आज, तो पराल जो है ना धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। ये भट्ट हमारे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सारे बादल जो है ना आ चुके हैं, चारों तरफ से घेर लिया है बादलों ने धूप को। तो दोस्तों ये कोदा देख सकते हैं, यहाँ पे कोदा हो ही नहीं रखा है, ये हो रखा है थोड़ा बहुत, बाकी सब ऐसी हो रखा है। मैं चली इनके बीच से, और यहाँ देखते पानी पानी गिरा हुआ है अभी तक, और मैं जा रहा हूँ हवा, तो मैं आ गई हूँ छाव में। मुझे लगा बैठने के लिए नीचे, लेकिन काफ़ी दूर था, तो मैं छाव में आ गई, और यहाँ पे से मैं काटूंगी ऊपर के लिए। यहाँ पे छाव है मस्त वाली, यहाँ से ऊपर के लिए। ये धूप मैंने ऐसी रहेंगे तो काम करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने छाँव वाला जो है ना पूरा कर दिया टास्क, बहुत धूप है। मैं सोची मैं इस पेड़ के नीचे से शुरू करूंगी काटना, बहुत धूप हो रही है, सर के ठीक ऊपर पे धूप लग रही है, हालत खराब। यहाँ पे छाप बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा है, और मम्मी वहाँ फिर से कनकर लगा रही है, और वहाँ पे सारे के सारे जो है ना धान लटकी हुई है सारे। एक तो इतने लंबे लंबे हैं हमारे यहाँ के धान और रखे, तो हमेशा इतने लंबे होंगे तो कुछ नहीं है इन पे, लेकिन घास जो है ना पूरा रहता है, नहीं तो और किसी के ना इतने रहते हैं, और ये धान की बालियां बहुत अच्छी रहती है, हो रखी काफ़ी होती है, लेकिन इतनी रहते छोटे छोटे। और ये हमारे जो है ना सट्टी, फिर हम इनकी चूड़ा बुखड़ा बनाएंगे, चूड़ा बुखड़ा। दोस्तों मेरी हालत खराब हुई, 5 मिनट में धूप में जा रही है, मैंने वहां से यहाँ पे काटा, हालत खराब एकदम भयंकर वाली। तो मैं सिर्फ इस पेड़ के नीचे आ गए छांव के लिए, और देख सकते हैं जो ये बालियां है ना उधर के लिए लटकी हुई, तो उधर ही से हमें काटना पड़ेगा, और यहाँ पे इधर के लिए लटकी हुई तो हमें इधर के लिए काटना पड़ेगा। वैसे सेम इधर है, इधर के लिए ना सारा झुकाव इनका, तो हम इधर की साइड काटेंगे। और मैं इस भीमल के पेड़ के नीचे छांव लेती हुई, हाँ करेक्ट 12:30 हो रही है, आधे घंटे में हालत खराब हो गई मेरी। कम वक्त ये बादल भी जल्दी नहीं आ रहे, धूप पे लग जाते तो थोड़ा आराम मिलता। और मैं बैठ गई गलत राइट साइड, क्योंकि इनका जुकाम मेरी साइड है, तो मैं यहाँ से काट नहीं सकती इनको, मुझे उधर जाना पड़ेगा बीच में, वहाँ से काटना पड़ेगा। तो दोस्तों मम्मी वहाँ दूर से मुझे बोली थी यहाँ पे सुंदर लग रही, तो थोड़ा जो मम्मी ने जो मेरी वीडियो बनाई और फोटो खींची अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, तो है ये हरा भरे में अच्छे अच्छे हैं।
बस मैंने सच में इतना काम कर लिया। धूप में, अरे छाँव इतना कर लेती, धूप नहीं सही जाती बाबा, धूप नहीं सही जाती बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा थोड़ा काम करती फिर बैठती हूँ। थोड़ा बात कर रहा हूँ, ये धान तो बोल जरा रुक। अरे ये धान तो बोल जरा लुक जा। दोस्तों अभी जो है ना 1:22 हो रहा है और मेरा काम ख़त्म हो गया, मतलब मेरा और दादी का काम ख़त्म हो गया। थोड़ा सा जगह बहुत पानी पानी था तो फाइनली ये वाला खेत जो है ना पूरी कटाई हो चुकी है। मम्मी जो है पंखा लगा रही है और भयंकर भूख लग गई मेरे को, थकान भी लग गई इस धूप में और भूख भयंकर लग गई। तो जल्दी से मम्मी पंखा लगाती है और हम घर चलते हैं, खाना खाते हैं। मुंगरी शेर मुंगरी क्या बड़ा बड़ा सुतु है जिन पर मुंगरी एक नहीं हुई, ये पछे हैं चिन्ह मुंगरी वाई, ये पछे वाई मुंगरी। तो दोस्तों इतनी मुझे मिली मुंगरी, इतनी कम हो रखी है, 1, 2, 3, 4 इस वाले पे हैं बस और खाली हो रखा है। तो ये हमारी कागजी चोर या इस साइड भी जीते कि मुँह ते टावा था हूँ। हाँ पहली साइड नहीं छिन ए छिन या। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर पे और भूख बहुत तेज़ लगी, तो अब जो है ना खाना खाते भयंकर भूख लग गई है। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है हालत डाउन। तो दोस्तों आज खाने में खीर बना रखी है और मैं जो टेस्ट करती हूँ क्योंकि पापा अभी घर जा रखे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा आने में, भूख से मारे हालत ख़राब हो रही, तो मैं तो थोड़ा खा ही लेती हूँ।